नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप मुझे देख रहे हैं एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे, कोरोना अब तेजी से फैल रहा है और बड़ा ही केयरफुल रहने की अब ज़रूरत है। अभी हम बिलासपुर में हैं, एक्चुअली मैं बिलासपुर में ही रहता हूं और आज ये प्लान किया कि बाहर ही बाहर काम करेंगे और कोरोना से बचते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए अपन आज का वीडियो शूट करेंगे। तो प्लान ये है कि बिलासपुर में आज अपन मेन जो स्पॉट्स हैं बिलासपुर के, वो फेमस हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे और उनको विजिट करेंगे। सेकंड, अपन कोरोना के टाइम में कहाँ पे आउटडोर में अच्छा टाइम अपन एक्सपेंड कर सकते हैं बिलासपुर में, वो भी देखेंगे। और थर्ड, अपन ये देखते हैं कि कुछ खाने की चीज़ अगर खुली होंगी और अगर वहाँ केयरफुली अपन चीज़ें ले पाएंगे तो वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन यहाँ चौपाटी, जो बिलासपुर में काफ़ी फेमस है। और ये बिलासपुर का फेमस नेहरू चौक है। कितना पुराना ये मेरे को भी आइडिया नहीं है, पर उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे एमपी के, अर्जुन सिंह, उनने इनका उद्घाटन किया था। और ये पहला बिलासपुर का फेमस चौक था जिसको अपन जानते थे नाम से। बाकी तो और बहुत सारे चौक थे लेकिन वो लोकल नाम थे, इनका नामकरण हुआ था पहले, ये घड़ी चौक बाद में भी बनी है। अभी अपन सबसे पहले जा रहे हैं चौपाटी, जो कि अरपा रिवर व्यू भी बोलते हैं उसको, और वो अरपा नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये सामने अरपा नदी का पुराना पुल है जो अंग्रेजों के ज़माने का 100 साल से ऊपर हो गया है। अभी इसमें दो नए पुल बने हैं, एक चालू हो गया, एक पे काम जारी है। ये नया ब्रिज बन रहा है, इस पर काम चालू है। इस पर देखते हैं अपन जाके कैसा बना है। अभी हम अरपा पुल पे हैं और आज बिलासपुर विजिट कर रहे हैं। कौन कौन से खास खास एरिया है यहाँ के जिसके कारण बिलासपुर फेमस है और कौन से एरिया अच्छे हो सकते हैं कोरोना के टाइम जब आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्योंकि इंडोर में काफ़ी रिस्क है। अभी हम अरपा ब्रिज पे हैं जो कि नया बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। बीच वाला जो ब्रिज दिख रहा है वो अंग्रेजों के ज़माने का 100-150 साल पुराना है। उसके बगल में एक और ब्रिज बना है अभी जो तैयार हो गया है, चालू हो गया है। तो ये अरपा नदी है, अभी देखिए ये अरपा नदी है। और उधर आप देखिए जो फ्लैग दिख रहा है आपको, वो चौपाटी है, एक्चुअली में रिवर व्यू बोल सकते हैं उसको। और वहाँ पे खाने पीने का सामान है, बैठने के लिए जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे फ्री इंटरनेट भी है, तो वहाँ पे आप बैठ के कम्प्लीट इन्जॉय कर सकते हैं सुबह के टाइम घूमने के लिए और शाम को भी इन्जॉय करने के लिए। वो दोनों के लिए अच्छा एरिया है। और अभी पुल भी है, ये आप घूमने के हिसाब से पुल भी अच्छा है। अभी पैसेज है पूरा, आराम से घूमिए, चालू नहीं हुआ इसलिए। और ये सामने आप देख रहे होंगे रिवर व्यू है और बगल में है चौपाटी, और ये फ्लैग भी लगा है। तो कंप्लीट एरिया है ये, अगर आपको शाम को आना है या सुबह आना है घूमने के लिए, तो शाम को तो आप घूम भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, इंटरनेट भी यहाँ पे, वाईफाई फ्री है, और बगल में चौपाटी भी है, तो खाने के लिए आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये अपना चौपाटी है बगल में, और कुछ लोग अभी भी भाई लोग यहाँ पर हैं। तो ये चौपाटी है, लेकिन एक आध घंटे बाद ये काफ़ी खुल जाएगा और फिर यहाँ पे बैठने की जगह रहती नहीं है। हालांकि कोविड के कारण कुछ कम है। अभी देखिए बिलासपुर की फेमस चौपाटी है। पहले क्या था कि बिलासपुर में कई जगह पे ठेले लगते थे, पहले कहीं नाली के बगल में लगते थे, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी। फिर सरकार ने एक एरिया बनाया नदी के बगल में, रिवर व्यू, यहाँ पूरा पक्का अरेंजमेंट है। और बगल में देखिए फ्लैग भी है और वहाँ पर फ्री वाईफाई भी है, तो आप वहाँ बैठिए आराम से। और खाना है तो यहाँ पे सब तरह के व्यंजन आपको मिल जाएंगे, चाट, गुपचुप, दाबेली वगैरह सब मिलता है। तो बेस्ट प्लेस है बिलासपुर का अगर आप यहाँ पे खाना पीना चाहते हैं या शाम को इवन क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ आइए आराम से, रिवर व्यू का मजा लीजिए। Thank you.
उज्बेकिस्तान में रेलवे स्टेशन है ये, और हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है। आगे इसमें दिखाता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में बना था ये, और यहाँ मुंबई हावड़ा मेन रूट है ये। तो जब भी अगर आपको मुंबई हावड़ा से जाना है, आपको अगर मुंबई से हावड़ा जाना है तो मेन रूट यही है। अब ये देखिए सामने आप, ये बिल्डिंग पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है, उसी को रेनोवेट करके वैसा ही उसको मेंटेन रखा है। अब देखिए पहले इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पे, आजकल तो भीड़ पूरी खत्म हो गई, सीनरी वगैरह बना काफी अच्छा बनाया है। पहले काफी भीड़ रहती थी, अब तो आप देखिए कोई नहीं है यहाँ पे, केवल जरूरत वाले लोग आते हैं। और ये नई बिल्डिंग बनी है रेलवे की, कुछ ट्रेनें चल रही हैं, 3-4 ट्रेनें, और उसके लिए अरेंजमेंट भी किए हैं। यहाँ से आप आउट हो सकते हैं, ये पूरी बिल्डिंग है, और यहाँ पे एक इंजन भी रखा है पुराना, वो भी अपन देखते हैं अभी। ये इंजन बाहर फैला के इन्हें रखा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा दिखता है, तो ये काफ़ी अच्छा इंजन है, 1935 में इंग्लैंड से आया था ये, इंग्लैंड में बना फिर वहाँ से यहाँ आया। तो बिलासपुर की पहचान है रेलवे से यहाँ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लदान होता है कोयला का यहाँ पे कोरबा के कारण, कोरबा में काफ़ी माइंस है। अभी अरपा के बराज में हम जा रहे हैं, और ये देवरी खुर्द कॉलोनी के पीछे है, तो यहाँ से अपने को मुड़ना है, और कॉलोनी के पीछे अरपा नदी है, वहाँ पे बराज बना हुआ है, तो वहाँ भी अपन जा रहे हैं। मेन रोड से काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा, और लास्ट की रोड थोड़ी सी ठीक नहीं है, अभी की रोड तो आप ये बिलासपुर की टिपिकल रोड जैसी ही है, रिवर है, और अभी आपको ये बराज, यहाँ से आपको क्रॉस करना पड़ेगा उधर, और अभी बरसात ऑलमोस्ट चली रही है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। देखिए काफ़ी पानी छूटा है लगता है यहाँ से, क्योंकि तो एक लिमिट से अगर पानी भरता है तो वो छोड़ देते हैं फिर, तो ये अब देखिए पानी कितना फ्लो है, तो हलचल यहाँ हो रही है, इधर पानी काफ़ी भर गया है, तो उधर उनने खोला है, काफ़ी टिपिकल है, लेकिन टू व्हीलर के हिसाब से बढ़िया है, अगर मोटरसाइकिल में तो कोई इशू नहीं। भाइयों अभी अपन अरपा बैराज पहुंच चुके हैं, पीछे का व्यू देखिए, ये देखिए सिटी के बीच में डैम का मजा, ये देखिए काफी अच्छा फ्लो है, बारिश का फ्लो बढ़ गया है और पानी छोड़े हैं अभी। अब इधर देखिए बहुत बढ़िया है, रोड्स बहुत खराब है, रोड मेंटेन करते तो यहाँ भीड़ इतनी रहेगी, लोग आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों डेवलप नहीं करते, ये डेवलप करें तो बहुत बढ़िया होगा। बिलासपुर में अरपा नदी पे पहला बराज बना था ये, सेकेंड भैंसा झार था, फर्स्ट ये था, तोरपा में पीछे बनाया है, यहाँ पर्पस ये था कि पानी रोके यहाँ पे और वाटर कैपेसिटी का बढ़ाएं, उसके बाद फिर उन्होंने भैंसा झार बनाया, अब सिटी के अंदर दो और बना रहे हैं, एक तो चौपाटी जो अपन ने देखा था वहाँ पे, और एक शिव घाट है वहाँ पे सरकंडा में, तो वहाँ दो जगह और बना रहे हैं जिससे सिटी का वाटर लेवल बढ़े, तो पानी काफ़ी अच्छा रहेगा, अदरवाइज पानी बह जाता है। ये नदी बह के शिवनाथ में जाती है, शिवनाथ नदी फिर महानदी में जाती है, तो पानी काफी रहता है, बस तो थोड़ा मैनेजमेंट की जरूरत है। अभी तो काफी अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखिए बहुत बढ़िया,
अभी ये अरपा नदी पेंड्रा के पास से निकली है और यहाँ पहुँचने में कम से कम 100 किलोमीटर हो गए इसको। 100 किलोमीटर में फ्लो मेंटेन है। कितना फ्लो है देखिए, पेंड्रा के पास से निकली है और वहाँ से बहते बहते यहाँ तक आ रही है, जबकि उसे बहता जाए बराज भी बना हुआ है, वहाँ भी पानी रुक रहा है। वहाँ से भी देखिए आप कितना फ्लो मेंटेन है, और केवल एक गेट थोड़ा सा खुला है तब ये हाल है। अगर दो गेट खोलते तो हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पाए। ये देखिए पानी का फ्लो देखिए, बहुत बढ़िया सीन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सीन है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ नीचे का व्यू तो काफी हो गया, आप ऊपर चलते हैं, वहां से दूसरा पार्ट अपने दिखेगा, बहुत बढ़िया। सिटी के अंदर ही है बिल्कुल। ये अपर साइड है, पानी देखिए आप कितना भरा है पानी, खोल भी रहे हैं, पानी देखिए स्लो स्लो निकल रहा है, पूरा खोल दे तो क्या होगा, काफी पानी भरा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, काफी गहरा है यहाँ पे और उधर जा रहा है पानी। अभी वहां पे थे और ये देखिए पानी का फ्लो काफी बढ़िया जगह। अब ये एक गेट वो भी आधा खुला है, पूरा खुलेगा तो आप देखिए पानी वहां से लेके पूरा उधर तक जाएगा, उसे बोलते हैं पार्ट ऑफ पार्ट, काफी पानी है। और वहां पे कंट्रोल रूम है जिसे देखते हैं कितना मेंटेन करना है पानी, और अगर ज्यादा पानी पड़ता है तो गेट को ओपन करते हैं। वो वहां पे जो अपने भैंसा जार में देखा था ना अंदर इलेक्ट्रॉनिक गेट खोलने की मशीन, वो वहां लगी है। देखिए ऊपर साइड वाला है, गेट्स को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा पानी कितना है, आधा डूबा हुआ दिख रहा है, आधा डूबे हुए दिख रहे हैं गेट, तो ये हाइट मालूम पड़ रही है कितना पानी यहाँ पे है। और अगर खोलेंगे तो आप देखिए पूरी नदी में बाढ़ आ जाएगी, नहीं खोलेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा, तो खोलना जरूरी है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए। अगली बार फिर किसी नए कंटेंट से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अरपा के डैम से बाय, बिलासपुर के अंदर।